तो रूस यूक्रेन युद्ध में पहली बार केमिकल हथियार के सबूत मिले हैं। रूस ने एक वीडियो जारी कर यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाया। रूस के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक रूसी सैनिकों पर केमिकल ग्रेनेड से हमले कर रहे हैं। रूस ने इसका सबूत दुनिया के सामने रखने के लिए एक वीडियो जारी किया, जिसमें देखा गया कि खार्किव में लड़ाई के दौरान एक खंडर में छिपे रूसी सैनिक और यूक्रेनी सैनिकों के बीच गोलीबारी चल रही थी। तभी टूटी हुई दीवार के पास खड़े एक रूसी सैनिक की अचानक हालत खराब होने लगती है। वो जमीन पर बैठ जाता है, तभी उसके मुँह से खून आता है और फिर उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगता है। पिछले एक साल से बाइडेन और ज़ेलेंस्की रूस पर केमिकल हमला करने की आशंका जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उल्टे यूक्रेन पर केमिकल हमले के आरोप के बाद ज़ेलेंस्की सवालों से घिर गए हैं। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने मुलाकात की और इसी बीच आज मेघालय के नव निर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर विधायकों को शपथ दिलाएंगे। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ने भी नेशनल पीपल्स पार्टी और बीजेपी गठबंधन को औपचारिक समर्थन दिया है। यूडीएफ ने 11 और पीडीएफ ने 2 सीट जीती। कोनराड संगमा ने 32 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र राज्यपाल को सौंपा था। कल मेघालय नागालैंड में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे, जबकि त्रिपुरा में 8 मार्च को मुख्यमंत्री की ताजपोशी होगी। नागालैंड में नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री बनेंगे और पहले की तरह ही नागालैंड में बीजेपी का उप मुख्यमंत्री होगा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक शादी समारोह में मुफ्त की दावत खाना 2 लोगों को महंगा पड़ गया। जैसे ही वो खाना खाने पहुंचे, उन्हें पकड़ लिया गया और जमकर खरी खोटी सुनाई गई, लेकिन इसके बावजूद दोनों के तेवर कम नहीं हुए। वो मना करने के बाद भी अपने आप को दूल्हे का दोस्त बताकर खाना खाते रहे। लेकिन जब वो काफी देर तक नहीं माने तो हंगामा हो गया। हालांकि बाद में वो वहाँ से चले गए। इस दौरान किसी ने अपने फोन से इन दोनों का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वुमेन्स प्रीमियर लीग का दूसरा मुकाबला मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने 60 रन से जीत दर्ज की। आरसीबी की कप्तानी स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 223 रन का स्कोर बनाया। जवाब में आरसीबी की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 163 रन ही बना सकी। दिल्ली कैपिटल्स से शेफाली वर्मा और मेग लैनिंग ने 14 ओवर में 162 रन की ओपनिंग साझेदारी की, जो महिला टी20 लीग्स में चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी हो गई है। पाकिस्तान में इमरान खान पर शिकंजा और ज्यादा कस दिया गया है। पेमरा यानी कि पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटर ने इमरान खान के भाषणों पर बैन लगा दिया। अब पाकिस्तान में इमरान खान के भाषण पर पाबंदी लगा दी गई। इस बारे में पेमरा ने टीवी चैनल्स को नया आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक किसी भी टीवी चैनल पर इमरान खान के भाषण का लाइव प्रसारण नहीं किया जाएगा, ना ही कोई रिकॉर्डेड भाषण चलाने की इजाजत होगी।